सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम जाने वाले हैं रामलीला देखने, लाल किला बेसिकली। अभी मैंने एग्जिट ले लिया था चांदनी चौक से, सोचा था थोड़ा बहुत चांदनी चौक भी एक्सप्लोर कर लिया जाए, क्योंकि दिवाली का भी माहौल है और मार्केट कैसा है तो उसके हिसाब से एक्सप्लोर करने का सोचा था। तो चलो चलते हैं। चांदनी चौक में हो रही है अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा भीड़। इसमें नई सड़क जाने का भी थोड़ा बहुत प्लान था बट नहीं जा पाए, तो बहुत भीड़ थी। और चांदनी चौक में जैसे भीड़ देख ही सकते हो, हैवी वाली भीड़ है। उसके बाद ये हमने ले ली है थोड़ी रबड़ी या जो भी है लस्सी टाइप, ठीक ठाक ही थी। उसके बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं थोड़ा गुरुद्वारा वगैरह एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि जेब में हो गए थे पैसे ख़त्म। पता नहीं UPI नहीं चल रहा था तो कैश भी नहीं लेके आए। लंगर स्टार्ट होने का वेट कर रहा है, यहाँ पर भी साफ़ सफाई तो हो गई, अंदर थोड़ी सी और साफ सफाई रह गई है तो उसी का वेट कर रहा हूँ। मैं लंगर खा के जाएंगे, आज इतना दूर आए हैं, परेशान भी हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए रास्ते में, दर्शन कर रहे हैं चांदनी चौक का। तो जैसा कि ये देख सकते हो ये लंगर हॉल है, यहाँ पर बेसिकली लंगर होता है। अभी साफ़ सफाई चल रही थी तो सोचा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बाहर ही बैठ के। तो वहाँ से एक पाजी ने हमें देख लिया था तो उन्होंने मेरे को साफ़ सफाई के लिए बुला लिया, तो साफ़ सफाई नहीं मदद के लिए, तो सेवा। ये आटा कम से कम पाजी ने आटा बताया था, कम से कम कितना 100-200 किलो एक बैच में जाता है, तो लिटरली बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये आटा वगैरह लगता है। ये पूरा हॉल था, पूरी साफ़ सफाई चल रही थी, ये सब करके फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया, बैठ गए खाने। तो अभी मैंने लिया आइसक्रीम यहाँ पे ब्लू करंट एंड मैंगो, बहुत घटिया फ्लेवर है और फिर भी खाना पड़ रहा है, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा तो यार कर सेवा तो अच्छी हो गई, बढ़िया मस्त सेवा करी, पूरे आटा वगैरह का पता नहीं क्या चाहता था, पूरे कपड़े गंदे हो गए थे पर फिर भी पेट भर के खाना खा लिया। यहाँ शिवरात्रि पे, हाँ हम पिछले शिवरात्रि पे आए थे, तब यहाँ बहुत पूजा और पूरा बड़ा। उसके बाद डायरेक्ट मेला जाने का प्लान बन गया, जैसे सामने मेला दिख ही रहा है, उसके बाद चलो मेला चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं रामलीला। यहाँ से एंट्री थी बेसिकली, आप जा सकते हो 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है मेला, रात के 12 बजे तक चलता है। आराम से कभी भी जाओ, ऐसा कोई इशू नहीं है, रात में भी जाओगे आराम से एक्सप्लोर करो। और पास में तो मेट्रो स्टेशन लाल किला ही है, सामने लाल किला बना हुआ है। इन झूलों की रेट सही में बहुत ज़्यादा हाई है, 100 रुपये पर पर्सन, इतना ज़्यादा कौन लेगा, कौन पे करेगा। अरे बहुत बड़ा वही मैंने की है, खाने का है, खाने खाने का महंगा लोग AC वगैरह लगवाया है इसीलिए था। पाव भाजी 250, पाव भाजी 250, उधर से भी है देख। आजा तो हाँ यार, मेला तो बहुत दूर तक फैला है, बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं मेन स्टेज पे, ये जो लव कुश रामलीला चल रही थी, आगे जो जूम करके लेना, मंगल भाई
शायद तब सुना है, अच्छा पता चला। तो हाँ यार, रामलीला तो हमने देखी थी, लिटरली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। बाहर निकले जैसे ही ये टिक्की का फैली मिली, पता नहीं क्यों फैल गई थी, फिर आगे जाके देखा तो एक जैसी ठर्रा पीने वाला डला था जमीन पे सामने। मतलब यार लोगों में बिल्कुल समझ नहीं, बिल्कुल शर्म नहीं है कि इस टाइम पर भी दारू वगैरह पीते क्या करें। चलो फिर आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरे को थोड़ा सा वॉइस ओवर करना पड़ा था क्योंकि मैं ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय।